हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आपने आज टाइटल देखा ही होगा, सीएस एग्जीक्यूटिव का एडमिट कार्ड आ गया है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? आईसीएसआई की वेबसाइट में आपको जाना है और उस पर क्लिक करना है। नेट स्लो है इसलिए, और जाकर यहाँ आपको लेटेस्ट एंड आईसीएसआई में क्लिक करना है। आप जब क्लिक करोगे तब आपको स्टूडेंट में जाना है और आपको यहाँ दिख रहा होगा अनाउंसमेंट ई एडमिट कार्ड डाउनलोड, उसके नीचे डाउनलोड ई एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है और आपका जो रजिस्टर नंबर है आपको यहाँ डालना है। यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ आपको रजिस्टर नंबर डालना है आपका, और आपको गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। आप जब क्लिक करोगे तो आपको ये आईसीएसआई का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको ये दिखेगा ऐसा। मैं सॉरी फॉर दैट, मैं इंफॉर्मेशन नहीं बता सकती एडमिट कार्ड की, उसके बाद का जो पेज है वो आपको दिखाती हूँ। आप इसके प्रिंट ज़रूर निकालना। और यहाँ आपको दिख रहा होगा सेल्फ डिक्लेरेशंस ऑफ कैंडिडेट, तो आपको ये सब जेरोक्स निकालनी है और ये कंपलसरी है। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एग्जामिनेशन सेंटर में फर्स्ट डे आपको देना है और ये सब फिलअप करके आपको एग्ज़ाम देनी है। आपको, आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। 18 पेज का है वीडियो बनाया है और यहाँ बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपको क्या क्या लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, और आपको क्या क्या पेंसिल पेन इरेजर ये सब लिखा है। और इसमें लिखा है कि आप पेपर ले देते वक्त चीटिंग नहीं करना है, किसी का देखना नहीं है। जब आप पेपर दे रहे होंगे तब आपका पेपर किसी को दिखाना नहीं है, और इसी तरह बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। और यह आपका जो मॉड्यूल है, आपने दो मॉड्यूल आप दे रहे होंगे तो आपका कैसा कौन सा पेपर आता है यहाँ लिखा हुआ है ये सब। और आपको जाते वक्त कोविड 19 अभी तो नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना होगा। आप ये आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपका दोनों दे रहे होंगे तो आपको ये आपको ही पता ही होगा, OMR बेसिस, CMA, टैक्स लॉ एंड FSM, ये OMR बेसिस पेपर है। आपको कैसे देना है यहाँ करेक्ट मेथड बताएगी गई है और रॉन्ग मेथड, ऐसे सब गोला करना है जब आप OMR बेसिस दोगे, और ऐसा नहीं करना है उन्होंने बताया। एक ही गोले पे आप करोगे। और यहाँ बताया गया है आप ब्लू पेन लेके जाओगे, या यहाँ जब आपका जो OMR बेसिस पेपर होगा ब्लू और ब्लैक पेन चलेगा, यहाँ लिखा है देख सकते हैं आप। ये सब आप पढ़िए, सब इंस्ट्रक्शन बताई गई है। OMR आंसर शीट आपकी AC होगी, आपका पेपर की OMR
आंसर शीट में आपको रोल नंबर इन वर्ड में लिखना है, आप सबमिट सब्जेक्ट आपको लिखना है, आपका रोल नंबर, ऐसे आपकी आंसर शीट होगी और आपको यहाँ बोल में करना है, ऐसा ही सब लिखा है और इंस्ट्रक्शंस वो ही दिए हुए कैसे करना है। आपका जो OMR बेसिस को क्वेश्चन पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट कोड रहेंगे वो लिखा है, और आपको पेपर लेते वक्त फ़ोन नहीं लेना जाना है, फ़ोन डिजिटल वॉच ये सब नहीं लेके जाना, ये सब इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और ये सब फॉलो कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। मेरे तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।